विचारधारा और जो उपलब्धि है उसकी बात ना करके सिर्फ ईडी की छापेमारी कार्रवाई हो रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है? बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गई है और ये हार अपना स्वीकार कर लिए हैं। और इसके भारतीय जनता पार्टी के दो मजबूत प्रकोष्ठ है, ईडी आईटी, उसके माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी आप लोग बहुत बोल रहे थे ना पाटन में विजय बघेल लड़ेगा, तो जो 23 तारीख कार्रवाई हुई और अभी जिस प्रकार से ईडी कार्यालय से पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बीच में फोन जा रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि ईडी आईटी ही पाटन में लड़ेगी और न केवल पाटन में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी ही चुनाव लड़ रही है। अब आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन के बाद भी केंद्र सरकार जागेगी? वो जागे ना जागे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। और छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि जितने भी कार्रवाई हो रही है वो केवल राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है। यहाँ के प्रभारी ओम माथुर ने कल सरगुजा में कहा कि अभी आगे देखते जाइए, आगे 2 महीने और क्या क्या होता है। ये एक विभाग में जाते हैं वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरे विभाग में जाते हैं फिर वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर तीसरे विभाग में जाते हैं फिर चौथे विभाग में जा रहे हैं। अभी महादेव का चल रहा है, महादेव में हम लोगों ने कार्रवाई किया, लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया। इसमें अभी जितनी कार्रवाइयाँ हुई है इसका इनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। जो मुख्य जो लाभार्थी हैं उस पर कार्रवाई करना इनका उद्देश्य नहीं है। आप देखेंगे लीकर का मैंने पहले ही कहा कि जो डिस्टलर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की, न उनकी संपत्ति कुर की, न जब्त की चला चल संपत्ति, न उनकी गिरफ्तारी हुई, जबकि मुख्य खिलाड़ी तो वही है उनके हिसाब से, जबकि सीएजी की रिपोर्ट कहता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वो भी भारत सरकार की एजेंसी है 19-20 और 20-21 में। लेकिन फिर भी यदि ईडी आईटी कहती है, आईटी तो फिर भी उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ सारे बयान में, लेकिन ईडी में चूंकि उनको जो संविधान जो नियम में जो संशोधन किए उसके बाद उनको असीमित अधिकार मिल गया है ईडी को, वो किसी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी का चला अचल संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, चला अचल संपत्ति की छूटने की कोई संभावना नहीं, एक बार यदि जेल गया तो उसे बेल होने की कोई गुंजाइश नहीं, वो लगभग बेल की संभावनाएं समाप्त हो गई है। तो डरा धमका के सब मार पीट के क्रूरतम पिटाई भी कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, रात रात भर जगाते हैं जबकि 10-11 बजे के बाद पूछताछ नहीं करना, और उसके बाद ही कहा जाता है कि आप तुमको जेल जाना है या इसमें पेपर में जो टाइप्ड हुआ पेपर है उसमें हस्ताक्षर करो। ये स्थिति बना के वो लोग रखे हैं, तो ये भय दिखाकर सबको गिरफ्तारियां कर रही है। ये दो लोग बाहर हैं उसको पकड़ने की ताकत नहीं लगा रहे हैं, भाई हजारों करोड़ रुपये लेके पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश सब जगह से वो पैसा लिया है, लेकिन केवल कार्रवाई यहाँ क्यों? आप मुख्य आरोपी पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य केवल ये 3 उदाहरण पर्याप्त है कि राज्य सरकार को बदनाम करना। उनके जो लोग काम कर रहे हैं पार्टी में या सरकार में उसको बाधित करना और उसको सरकार को बदनाम करना, तो ये लोकतंत्र के लिए ये खतरा बन गया है ईडी। और अभी आपने जिस प्रकार से देखा कि ACCL जो खुद ही कोयला का उत्खनन करता है, आज अडानी को गारेपेल में रायगढ़ में उसको खदान दे दिया गया 20 साल के लिए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खदानें हैं जिसको दी गई है, और खासकर आयरन ओर की बात करें कि NMDC और CMDC का जॉइंट वेंचर था, NCL बना और उसके बाद MDO अडानी को नियुक्त किया गया। हम लोगों ने वहाँ आंदोलन हुए, आंदोलन में वहाँ लोगों से बात करने सांसद जी खुद गए थे, अभी हमारे वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनसे बात की और उसके बाद जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ जांच कराई गई और जो ग्राम सभा है उसे गलत पाया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। NMDC को कितने बार हम लोगों ने पत्र लिखा इसको निरस्त करें, लेकिन आज 4 साल से ऊपर हो गया उसको निरस्त नहीं किए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना
सीधी सीधी बात है कि अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना, चाहे कोयला खदान हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सबके लिए स्थिति ही बन रही है। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए इसको कोयला खदान हम दे नहीं। जो एक राजस्थान का चल रहा है वही चल रहा है, बचत जितने कोयला खदान रमन सिंह ने अलाट किया था वो एक भी नहीं चल पा रहा, शुरू नहीं हुआ। उसी प्रकार से आयरन ओर हम नहीं चलने दे रहे हैं। अब नगर नहर अभी शुरू नहीं हुआ है, उसे भी ये लोग बेचने के बजट में शामिल कर लिया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ दिन बाद उसका लोकार्पण होगा और ये वो सब घूम फिर के वहीं जाना है, ये स्थिति बनी है। लेकिन मैं ईडी के अधिकारियों को अनेक बार मैंने पत्र लिखा, न केवल ईडी को बल्कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री सबको पत्र लिखा कि चिटफंड का घोटाला हुआ, इसकी जांच करिए। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा रमन सिंह खुद कार्यालय खुलवाया, ये ओपी चौधरी कलेक्टर था, ये रोजगार मेला आयोजित किया था और सबको रोजगार मेला सर्टिफिकेट बांटा और सब आम जनता का पैसा लूट के इन लोगों ने भगवा दिया। कार्रवाई हमारे शासनकाल में हुई, 700 अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उस पैसे को जो संपत्ति कुर करके पैसा वापस दिलाने का काम किया। लेकिन देखते हैं कि दूसरे प्रदेशों में भी हुआ है, यहाँ से पैसा ले गए दूसरे प्रदेश इन्वेस्ट किए हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया केस तो यही है, आम जनता का पैसा है, सरकार का भी नहीं, जनता का पैसा है जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लुटवाया है। इसकी जाँच करने के लिए मैंने पत्र लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।